पानी घुस गया, कई मंदिर पूरी तरह से डूब गए, तो वहीं कुछ मंदिर वक्त आ रही है। सरकार ने जो 2 करोड़ और 5 करोड़ से ज्यादा की आय वालों पर सरचार्ज लगाने की बात बजट में कही थी, अब उसकी समीक्षा की जा सकती है। दरअसल जिस तरह का मूड शेयर बाजार का देखा जा रहा है, उसके बाद सरकार इस तरह की कवायद कर सकती है। दरअसल 2 करोड़ और 5 करोड़ से ज्यादा की आय वालों पर सरचार्ज की बात कही गई थी, लेकिन सबसे खास बात ये कि जो विदेशी निवेशक हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 70% से भी ज्यादा है, ऐसे में उनके भीतर इसका ये इंटरप्रिटेशन भी कि क्या वो इस सरचार्ज के दायरे में आएंगे, और ऐसे में जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स हैं ये अब सकते में है। और माना यह जा रहा है कि बाजार पर आज जो असर दिखाई दे रहा है इन निवेशकों की वजह से ही हो सकता है। शेयर बाजार आज खुलते ही 400 अंक से ज्यादा गिरा था और 600 अंकों तक के भी निफ्टी गिरा था, लेकिन ऐसे में जबकि सेंसेक्स में बड़ी गिरावट, निफ्टी में बड़ी गिरावट देखी गई थी, अब वित्त मंत्रालय इसकी समीक्षा कर सकता है कि क्या ये इंडिविजुअल्स के दायरे में आएंगे ऐसे निवेशक, और क्या उन्हें ये सरचार्ज देना होगा। माना यह जा रहा है सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि सरकार इस बात की समीक्षा कर सकती है कि